गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन का उपयोग। आगे देखते हैं, हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर ओनली ऑक्सीजन गैस इन द एटमॉस्फेयर। देखिए बच्चों, प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही होती तो क्या होता। वुड देयर बी लाइफ, ठीक है, क्या जीवन होता। आगे देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीज द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करती है। आगे देखते हैं, अलॉन्ग विद दिस, इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन इज क्वाइट यूजफुल टू अस, यानी कि नाइट्रोजन हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी है। सम ऑफ द यूज ऑफ नाइट्रोजन एज आर एच फॉलोज, यानी कि कुछ नाइट्रोजन के उपयोग नीचे दिए गए हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट दिया है, इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि यह पौधों और जीवधारियों की वृद्धि हेतु आवश्यक है। सेकेंड देखते हैं, अ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया इज यूज टू मेक मेनी फर्टिलाइजर्स एज यूरिया। देखिए बच्चों, सेकंड बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन की विशाल मात्रा हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर अमोनिया बनाती है, ठीक है, और अमोनिया से यूरिया जैसे उर्वरकों का उत्पादन होता है। चलिए थर्ड देखते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्ट नेचर इट इज यूज इन फिलिंग इलेक्ट्रिक लैम्प टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट। देखिए बच्चों, थर्ड में बताया जा रहा है कि निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण, ठीक है, विद्युत लैंपों में भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फोर्थ देखते हैं, इट इज आल्सो यूज्ड टू कीप स्टोर्ड फूड आइटम फ्रेश, ठीक है, यानी कि इसका उपयोग भोज्य पदार्थों को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, सील पैकेट स्नैक्स एंड एज पोटैटो चिप्स पैकेट्स ऑफ अनकुक्ड एंड फ्राइड फूड आर फिल्ड विथ हिस गैस। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि पैकेट बंद जो खाद्य सामग्री होते हैं, जैसे कि आलू चिप्स तथा बिना पके और तले भोजन के लिए तैयार खाद्य पदार्थों के पैकेट में यही गैस भरी जाती है। आगे देखते हैं, इट डज नॉट अलाउ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू कम इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, और आगे बताया जा रहा है कि यह भोज्य पदार्थों का हवा की ऑक्सीजन से संपर्क नहीं होने देती। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, फाइव में बताया गया है, लिक्विड नाइट्रोजन यूज्ड एज कूलिंग एजेंट इन इंडस्ट्री, यानी कि जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसका उपयोग इंडस्ट्री में कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं, यूज्ड फॉर स्टोरिंग ब्लड एंड ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, और इसका उपयोग जो ब्लड होता है उसको स्टोर करने के लिए और ऑर्गन यानी कि जो अंग होते हैं, है ना, जिनका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है उनको भी स्टोर करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, 3.4 में दिया है, एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं, एयर पॉल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड अनवांटेड गैसेज इन सच एज अमाउंट दैट। देखिए बच्चों, सस्पेंडेड पार्टिकल्स मीन्स होता है निलंबित कण, ठीक है, और अनवांटेड गैसेज यानी कि अवांछित गैस। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, वायु प्रदूषण का अर्थ है कि निलंबित कणों व अवांछित गैसों का हमारे वातावरण में, ठीक है, उपस्थित होना और इतनी उपस्थित होना कि इसकी मात्रा, है ना, यानी कि इसकी अधिक मात्रा से क्या होगा, हार्मफुल टू मैन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि इसकी अधिक मात्रा वायुमंडल में उपस्थित होने से ये क्या करता है, मैन यानी कि मानव और जंतुओं को हानि पहुंचाता है। ठीक है, उनके लिए हानिकारक होता है। आगे देखते हैं, लेट अस सी हाउ आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ कैन अफेक्ट द एयर इन आवर इन्वायरमेंट, कम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए आगे बताया जा रहा है कि आइए, ठीक है, रोज़मर्रा की जो हमारा लाइफ है ना, यानी कि डे टू डे जो हमारा लाइफ है उसमें होने वाली क्रियाओं से हमारे वातावरण की वायु किस प्रकार प्रभावित होती है उसे समझने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्टिविटी फोर दिया है, ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक सामग्री, वाइट पेपर, ऑयल और वैसलीन। ठीक, आगे देखते हैं, अप्लाई ऑयल और वैसलीन ऑन
वन साइड ऑफ द पेपर, ठीक है, यानी कि सफ़ेद कागज पर एक तरफ तेल या वैसलीन लगाइए। नाउ लीव दिस पेपर इन ओपन एयर, अब इस पेपर को खुली हवा में छोड़ देना है। टेक केयर दैट द ऑयल ऑफ और वैसलीन अप्लाइड साइड इन फेसिंग अपवर्ड, है ना, यानी कि ध्यान रहे कि जो वैसलीन लगाए हैं, है ना, वो वाला पार्ट क्या होना चाहिए, ऊपर की ओर होना चाहिए, जैसे कि चित्र 3.3 में बताया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए बताया गया है इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है कि जिधर हम लोग ऑयल या ग्रीस लगाए हैं उस वैसलीन लगाए हैं उसको ऊपर करके रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट बाद कंपेयर दिस पेपर विद अ प्लेन पेपर। ठीक है बच्चों, यानी कि 10 मिनट बाद आपको कागज़ की तुलना, है ना, साफ कागज़ के साथ करना है। आगे देखते हैं, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या आप कोई परिवर्तन, यानी कि क्या आप कोई अंतर देखते हैं। नाउ यू मस्ट हैव कम टू नो हाउ पोल्यूट यूअर नेबरहुड इज डिफरेंट, स्टूडेंट एट डिफरेंट प्लेसेस कैन डू द सेम एक्टिविटी, राइट यूअर फाइंडिंग इन द टेबल 3.2 एंड दे कंपेयर यूअर नोट्स। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, आगे बोला जा रहा है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपके आसपास की वायु कितनी प्रदूषित है। ठीक है, इसी क्रियाकलाप को कक्षा के अलग अलग विद्यार्थियों के साथ, है ना, अलग अलग स्थानों पर करके देख सकते हैं और प्राप्त परिणामों को जो टेबल 3.2 दिया है उसमें लिख कर आपस में तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे लिखा है राइट यूअर फाइंडिंग इन द टेबल 3.2 एंड देन कंपेयर यूअर नोट्स। ठीक है, यानी कि 3.2 में आप लिख करके, है ना, जो डिफरेंसेस है उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं। यू कैन आल्सो चूज प्लेस अदर देन व्हाट इज गिवन इन टेबल 3.2। इन दिस वे यू कैन नो विच प्लेस ऑफ योर विलेज और टाउन इन द मोस्ट पॉल्यूटेड। देखिए बच्चों आगे बताया जा रहा है कि सारणी 3.2 में दिए गए स्थानों के अतिरिक्त, है ना, अन्य स्थानों का चयन भी आप कर सकते हैं और इस प्रकार आप जान सकेंगे कि आपके गांव, शहर या शहर का, है ना, सबसे ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर टेबल 3.2 दिया गया है। ठीक है, 3.2 दिया गया है जिसमें नंबर्स दिए गए हैं और लिखा है प्लेस एंड लोकेशन, है ना, यानी कि स्थान, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। ठीक है, देखिए बच्चों फर्स्ट में दिया है नियर फायर प्लेस। ठीक है, आपको फायर प्लेस यानी कि सिगड़ी के पास, है ना, ये एक्टिविटी करना है और उसको देखना है। ठीक है बच्चों, और कंपेयर करना है कि कितनी प्रदूषण है, तो अब उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8 क्रॉस रोड, यानी कि चौराहा। ठीक है, जो क्रॉस रोड रहता है, चौराहा रहता है, वहाँ पर भी इस एक्टिविटी को करके आपने जो देखा उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। थर्ड में है नियर फैक्ट्रीज, यानी कि कारखाने के पास। फोर में है नियर द विंडो ऑफ योर हाउस, यानी कि आपके खिड़की के पास। ठीक है, इन जगहों पर आप एक्टिविटी करेंगे और उन सारणी में भर करके कहाँ पर कितना प्रदूषण है उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो भर कर जरूर भेजिएगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉल्यूशन देयर इज अनदर मेथड आल्सो। ठीक है, यानी कि पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ और कुछ और मेथड हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज अनदर मेथड आल्सो फॉर दिस कलेक्ट लीव फ्रॉम ट्रीज ऑफ डिफरेंट प्लेस एज गार्डन, रोड, स्कूल, इंडस्ट्रियल प्लेसेस एक्सेट्रा। देखिए बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके लिए आप विभिन्न स्थानों जैसे कि गार्डन, ठीक है, रोड, स्कूल, इंडस्ट्रियल प्लेस यानी कि औद्योगिक स्थल, है ना, आदि क्षेत्रों से आप क्या करेंगे कि जो लीव्स हैं यानी कि जो पत्तियां होती हैं, है ना, यानी कि पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनको इकट्ठा करेंगे। आगे लिखा है लुक एट दिस लीव, यानी कि इस पत्तों को देखिए, सी द डस्ट ऑन देम एंड ट्राई टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द डस्ट ऑन देम। ठीक है, यानी कि उन पर जो धूल की, है ना, जो धूल की परत लगी हुई है, है ना, उसको आप हटा कर देखेंगे कि उनकी परत कितनी मोटी है। ठीक है, यानी कि पत्तों पर लगे जो धूल की परत है ना,
वो कितनी मोटी है। आगे देखते हैं, इफ़ यू फाइंड एनी डिफरेंस ट्राई टू फाइंड द केस। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि यदि धूल की परतों में कुछ भिन्नता दिखे, ठीक है, यदि धूल की परतों में कुछ भिन्नता दिखे तो कारण जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉल्यूटेन कैन बी ऑफ एनी वैरायटी। देखिए बच्चों, पॉल्यूटेन मीन्स होता है प्रदूषक। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रदूषक वायु में किसी भी रूप में हो सकते हैं। दे कैन बी सॉलिड और गैस, है ना, यानी कि वे ठोस हो सकते हैं या गैस हो सकते हैं, है ना, गैसीय कण में हो सकते हैं। आगे देखते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स आर आल्सो कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, यानी कि ठोस कणों को निलंबित कण भी कहते हैं। आगे देखते हैं, दिस पार्टिकल्स आर नॉट ओनली हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ बट आल्सो मेक द इन्वायरमेंट मिस्टी और डीम। देखिए, बताया जा रहा है कि ये कण मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने के साथ साथ, ठीक है, यानी कि ये सिर्फ मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाते, बल्कि ये क्या करते हैं, जो वातावरण होते हैं उसको क्या करते हैं, मिस्टी और डीम, यानी कि धुंधला कर देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, यानी कि ये कण मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने के साथ साथ वातावरण को भी धुंधला कर देते हैं। आगे देखते हैं, सम मेन केसेस ऑफ पॉल्यूशन आर एज फॉलोज। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि प्रदूषण के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं बच्चों, व्हीकल्स। फर्स्ट में क्या दिया है, व्हीकल्स, यानी कि वाहन। चलिए आगे देखते हैं, यूज ऑफ व्हीकल्स हैज़ इंक्रीज्ड डे बाय डे। कार, बसेस, ट्रक्स, ऑटो रिक्शास रन और पेट्रोल और डीजल। देखिए, बताया जा रहा है कि वाहन का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कार, बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा, है ना, पेट्रोल या डीजल से चलते हैं। विच आर फ्यूल ऑप्टेन फ्रॉम बायोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है, इन ईंधनों के जलने के कारण, है ना, या जलने के कारण काफ़ी मात्रा में क्या होता है, क्या लिखा है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, फ्रॉम बायोलॉजिकल रिएक्शन बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल आर मॉइस्टी ड्यू टू द इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन ऑफ दिस फ्यूल लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लेड आर लिबरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि इन ईंधनों के जलने के कारण, है ना, या जलने की अधूरी क्रिया के कारण इनकी मात्रा में कार्बन, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड यानी कि सीसा इत्यादि निकलते हैं। ठीक है, चलिए और आगे लिखा है, दीज गैसेस सीरियसली इंजर ह्यूमन हेल्थ वेजिटेशन एंड अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि ये गैसें मनुष्य के स्वास्थ्य, वनस्पति व वस्तुओं पर हानिकारक प्रभाव डालती है। चलिए आगे देखते हैं, एलॉन्ग विद द इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द सिटीज अदर केसेस सच एज द इंजन ऑफ व्हीकल्स द टेक्नोलॉजी यूज इन द व्हीकल बींग न्यू और ओल्ड आर आल्सो कंक्लूसिव टू द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एयर पॉल्यूशन। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, आगे बताया जा रहा है कि शहरों में, है ना बच्चों, यानी जो शहर होते हैं, है ना, वहाँ पर जो व्हीकल्स हैं यानी कि वाहनों की जो संख्या है ना, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कि शहरों में वाहनों की संख्या ज़्यादा होने के अलावा, है ना, अन्य कारण जैसे वाहन का इंजन कैसा है, ठीक है, इंजन कैसा है, इंजन में इस्तेमाल की गई तकनीक, है ना, नई है या पुरानी। ठीक है बच्चों, जो टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है इंजन में वह नया है या पुराना है, ठीक है, आदि कारण भी प्रदूषण को घटाते या बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि वाहनों का जो इंजन होता है ना, उसको किस टेक्निक से बनाया गया है या भी प्रदूषण को घटाता या बढ़ाता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, सेकंड में दिया है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, यानी कि उद्योग। चलिए आगे बढ़ते हैं, द पॉल्यूटेड सॉलिड पार्टिकल्स कमिंग आउट ऑफ द स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज,
हैव हार्मफुल इफेक्ट नॉट ओनली ऑन ह्यूमन हेल्थ बट आल्सो ऑन लिविंग बींग वेजिटेशन एंड बिल्डिंग्स। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि जो पॉल्यूटेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं, है ना, जो कहाँ से इंडस्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, है ना, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, हैव हार्मफुल इफेक्ट नॉट ओनली ऑन ह्यूमन हेल्थ। देखिए बच्चों, स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग और उर्वरक उद्योग आदि औद्योगिक संस्थानों से, है ना, निकलने वाले जो प्रदूषित ठोस कण हैं, ठीक है, उनका हानिकारक प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर तो होता है, साथ ही जीव जंतु, वनस्पति व इमारतों पर भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एंड एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज द नीड फॉर मोर एनर्जी हैज इंक्रीज। देखिए आगे लिखा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या व बढ़ते उद्योग के साथ ही ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉर दिस मेनी बिग प्रोजेक्ट हैव बीन स्टार्टेड, ठीक है, यानी कि इनकी, है ना, पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनी हैं। आगे देखते हैं, द इंक्रीज यूज ऑफ कोल इन दिस एनर्जी स्टेशंस हैज इंक्रीज्ड एयर पॉल्यूशन, ठीक है। आगे बोला गया है कि जिसमें कोयले के बढ़े हुए इस्तेमाल ने, ठीक है, इस्तेमाल ने वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी की है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया कि द इंक्रीज यूज ऑफ कोल इन द एनर्जी स्टेशन हैज इंक्रीज एयर पॉल्यूशन, यानी कि कोयले के बढ़े हुए इस्तेमाल, ठीक है बच्चों, यानी कि कोयले का आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना, तो कोयले के बढ़े हुए इस्तेमाल ने वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी की है। आगे देखते हैं, एलॉन्ग विथ हिज लार्ज अमाउंट ऑफ एस इज आल्सो थ्रोन आउट ऑफ दिस स्टेशन विच कवर अ लार्ज एरिया ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। आगे लिखा गया है कि इसके अलावा इन संस्थानों में बहुत मात्रा में राख भी निकलती है, ठीक है बच्चों, क्या निकलती है, राख भी निकलती है जो भूमि के काफी हिस्से को ढक लेती है। आगे देखते हैं, डिस्कस अदर फैक्टर ऑफ एयर पॉल्यूशन इन योर क्लास एंड नोट देम इन योर कॉपी। आगे लिखा है कि प्रदूषण के अन्य कारकों की चर्चा अपनी क्लास में करके, ठीक है, अपनी कॉपी में लिखें, ठीक है बच्चों। तो किस वजह से जो वायु प्रदूषण है ना वो पर्यावरण फैल रहा है, उसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, अपने साथियों के साथ, और उसको अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है बच्चों, मेजर टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय, ठीक है, हम लोग कैसे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ, यानी कि नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, उससे पहले दिया है, फॉर डिक्रीजिंग द एयर पॉल्यूशन वी मस्ट अडॉप्ट पॉल्यूशन कंट्रोलिंग मेथड एस, यानी कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें प्रदूषण नियंत्रण के जो तरीके हैं, है ना, उसको क्या है, अपनाना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट देखते हैं, चेंज द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर सच दैट लेस क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूटिंग मटेरियल इज लिबरेटेड। देखिए बच्चों, फर्स्ट बताया जा रहा है कि औद्योगिक संस्थानों में निर्माण की प्रक्रिया में, ठीक है, यानी कि जो औद्योगिक संस्था है वहाँ पर निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव लाना जिससे कम मात्रा में प्रदूषक निकले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सेकेंड में है, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन लेस पॉल्यूटिंग मेथड एज सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी मस्ट बी यूज मोर, ठीक है, यानी कि ऊर्जा उत्पादन में, ठीक है, कम जो प्रदूषणकारी हैं उपाय हैं, जैसे सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा, है ना, उसका अधिकाधिक उपयोग करना। थर्ड देखते हैं, चेक द व्हीकल्स फॉर एयर पॉल्यूशन मेजर्स, ठीक है, यानी कि वाहनों की वायु प्रदूषण संबंधित जांच नियमित रूप से करना। फोर्थ देखते हैं, बर्निंग ऑफ ड्राई लीफ ट्विंग्स ऑफ ट्रीज पेपर एंड वेस्ट प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी डन इन द ओपन बट डिस्पोज्ड ऑफ इन अ सेफ मैनर, ठीक है, यानी कि सूखे पत्ते, पेड़ों की टहनियाँ, है ना, कागज एवं कचरे को खुले में न जलाना तथा इनके सुरक्षित जो निपटारा है ना उसका तरीका अपनाना,
ठीक है, यानी कि उसको डिस्पोज करने का तरीका अपनाना। चलिए फाइव देखते हैं, प्लांट मोर ट्रीज दे आर द लंग्स ऑफ नेचर। ठीक है, आगे लिखा है कि अधिक वृक्ष उगाएं, है ना, ये प्रकृति के फेफड़े हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए कि अधिक वृक्ष लगाएं, है ना, ये प्रकृति के फेफड़े हैं। और आगे लिखा है सिक्स में, इंक्रीज द हाइट ऑफ द चिमनी ऑफ द फैक्ट्रीज सो दैट पॉल्यूटिंग गैसेस मे नॉट एक्यूमुलेटेड एट लोअर लेवल। ठीक है, सिक्स में बताया जा रहा है बच्चों कि फैक्ट्री की जो चिमनियाँ होती हैं, है ना, यानी कि फैक्ट्री की चिमनी की ऊंचाई बढ़ाना, है ना, जिससे कि प्रदूषित वायु निचले इलाकों में सीमित ना रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सेवन में दिया है बच्चों, एडॉप्ट हैबिट्स विच इनकरेज इन कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो वायु प्रदूषण है ना, को कम करने वाली आदतों को अपनाना। ठीक है, यानी कि सेवन बोला जा रहा है, एडॉप्ट हैबिट्स विच इनकरेज इन कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण को कम करने वाली आदतों को अपनाना। चलिए एट देखते हैं, अवॉइड स्मोकिंग एंड इनकरेज हैबिट टू अवॉइड स्मोकिंग। ठीक है, और आगे बोला जा रहा है कि धूम्रपान रोकने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि धूम्रपान क्या करना है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, चलिए नाइन देखते हैं, अवॉइड और एट लिस्ट डिक्रीज द यूज ऑफ सेंट्स एयर फ्रेशनर कॉस्मेटिक स्प्रेस एंड सच स्प्रेस। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि इत्र जो दुर्गंधनाशक स्प्रे है ना, प्रसाधन सामग्री तथा इसी प्रकार अन्य स्प्रे आदि का उपयोग कम से कम करना। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए कि इत्र दुर्गंधनाशक स्प्रे प्रसाधन सामग्री तथा इसी प्रकार अन्य जो स्प्रे आते हैं, है ना, उनका उपयोग कम से कम करना। चलिए आगे देखते हैं, देखिए बच्चों टेन में दिया है, यूज पेट्रोल एंड डीजल अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, यानी कि पेट्रोल डीजल का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना। ठीक है बच्चों, तो ये जो उपाय दिए गए हैं ना, इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण होने से बचा सकते हैं। ठीक है, वातावरण में वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, है ना, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए, और जो यहाँ पर है ना बोला गया है एक्टिविटी करने के लिए, है ना, सारणी को भरने के लिए, उसको ज़रूर भरिएगा और भेजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।